नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइन। सावधान, अक्टूबर में कहर बरपाएगी कोरोना की तीसरी लहर, केंद्र सरकार की टीम की रिपोर्ट, बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। 24 अगस्त यानी कि आज से होनी थी एपीओ की मुख्य परीक्षा, बीपीएससी ने किया स्थगित। छीन लिया गया बीडीओ का पावर, बिहार में पंचायती राज के कार्य से अलग हुए बीडीओ, अब पंचायत राज अधिकारी देखेंगे काम। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए अधिग्रहित वाहनों के किराया दर का निर्धारण, ट्रैक्टर को 800 तो वहीं ई रिक्शा को मिलेंगे 600 रुपये। बिहार शिक्षक बहाली में 94,000 पदों की काउंसलिंग में लगभग आधी सीटें खाली, सरकार की बड़ी चिंता। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी, जानिए कब से होगा एडमिशन। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग जिस तरह से लापरवाह हो गए हैं, उनकी नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की एक कमेटी ने कहा है कि इसी अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा सकती है। भयावह बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है। केंद्र सरकार की टीम ने तीसरी लहर को लेकर देश में की जा रही तैयारियों को नाकाफी बताते हुए इलाज के तमाम बंदोबस्त तैयार रखने को कहा है। ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने दी है। कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर चेतावनी जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सितंबर के आखिर तक कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में इसका पीक आएगा, तब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि देश में हर रोज कोरोना के 5 लाख से ज्यादा मरीज पाए जाएंगे। ऐसे में पूरे देश में 2 महीने तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। कई जगहों पर लॉकडाउन की भी जरूरत पड़ेगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी यानी कि एपीओ की मुख्य परीक्षा को बीपीएससी ने स्थगित कर दिया है। 24 अगस्त से 27 अगस्त तक पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। इसकी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने दी है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए AISF ने इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। वहीं सांसद चिराग पासवान ने भी यह मांग सरकार के समक्ष रखी थी। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीपीएससी के अध्यक्ष को पत्र भेजा था। चिराग पासवान ने राज्य के ही आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि बिहार के 15 जिलों में बाढ़ आ चुकी है। इन जिलों के 93 ब्लॉक के 694 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में हैं। इस वजह से एपीओ का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वे काफी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि सवाल नौजवानों के भविष्य का है, इसीलिए तय समय पर एग्जाम लेने के बारे में सोचना चाहिए। इसे बाढ़ की समस्या खत्म होने के बाद लेना चाहिए, तत्काल इसे कैंसिल कर देना चाहिए, जिसके बाद आयोग ने इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया है। बिहार में पंचायती राज के कार्य से बीडीओ को अलग कर दिया गया है। यूं कहे तो बीडीओ का पावर कम कर दिया गया है, अब उनकी जगह प्रखंडों में कार्यरत पंचायत राज पदाधिकारी ही काम को देखेंगे। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने बताया कि इस संबंध में आज ही आदेश जारी किया गया है। अब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बीडीओ की जगह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्य करेंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को ही कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। गौरतलब है कि इसे लेकर विधानमंडल के मॉनसून सत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार जिला परिषद में अब DDC को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नहीं रखा जाना है। इसके लिए सभी जिला परिषद के लिए अलग अलग से पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। 11 चरणों में होने जा रहे बिहार पंचायत चुनाव से संबंधित अधिसूचना आज जारी होने की संभावना है। इस बार के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंचायत चुनाव में इस बार पहली बार राज्य में EVM का इस्तेमाल होने जा रहा है। इन सब के अलावा अंतिम चरणों में मतदान बाढ़ प्रभावित इलाकों में डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव के दौरान अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों का किराया प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। पंचायत चुनाव में अधिक वाहनों की जरूरत होगी। विभागीय स्तर पर अधिग्रहित होने वाले वाहनों के लिए किराए के दर का निर्धारण कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी वाहनों को अधिग्रहित किया गया था, उस समय जिस दर
पर राशि का भुगतान किया गया था उसी दर पर पंचायत चुनाव में भी राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा किलोमीटर की दर से वाहनों में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण इस बार ज्यादा वाहनों की आवश्यकता होगी। विभागीय स्तर पर चुनाव कार्य के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। अगर इस संबंध में कोई भी नया निर्देश प्राप्त होता है तो उस स्थिति में मुआवजा दर में बदलाव किया जा सकेगा। बिहार में लगभग 94,000 सीटों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस साल जुलाई और अगस्त महीने में हुई काउंसलिंग ने नीतीश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि 94,000 पदों की काउंसलिंग में लगभग आधी सीटें खाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने रविवार की शाम बताया कि विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर इतने कम उम्मीदवार क्यों काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में पद कैसे खाली रह जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बिहार के सभी 38 जिलों में 10 अगस्त और 13 अगस्त को पूरी हुई काउंसलिंग का रिपोर्ट सरकार को नहीं मिल पाई है, लेकिन जिलाधिकारियों से मिली चयन की मौखिक सूचनाओं ने विभाग को परेशानी में डाल दिया है। शिक्षा विभाग को 10 अगस्त और 13 अगस्त के चयन की रिपोर्ट अब तक 22 जिलों ने ही नहीं दी है। अब विभाग को आशंका हो रही है कि रिपोर्ट नहीं देने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं। विभाग पड़ताल कर रहा है कि कहीं नियोजन इकाइयों ने पोस्ट तो होल्ड करके नहीं रखा है ताकि बाद में आहिस्ते से चयन पूर्ण कर लिया जाए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन पार्ट वन में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट सोमवार को जारी कर दिया है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स 24 अगस्त से आवंटित कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 82,557 स्टूडेंट्स को जगह मिली है। इसमें बीए में सबसे अधिक 45,166, बीएससी में 25,040, बीकॉम में 7,404 व ऑल जनरल में 4,947 स्टूडेंट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। मेरिट लिस्ट के अनुसार कॉलेजों को 8 सितंबर तक एडमिशन ले लेना होगा। एडमिशन लिस्ट कॉलेजों को 10 सितंबर तक वैलिडेट करना होगा। पीपीयू के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर एके नाग ने कहा कि एडमिशन 24 अगस्त से शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स अपने यूजर आईडी व पासवर्ड डालकर ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर लेटर लेकर आवंटित संस्थान में जाना होगा। अक्टूबर तक सारी एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिहार के गांवों में पंचायत चुनाव की हलचल शुरू है। संभावित प्रत्याशी मतदाता को रिझाने के साथ साथ एक योग्य प्रस्तावक की तलाश में जुटे हैं। निर्वाचन आयोग ने जिस तरह प्रत्याशी बनाने की शर्तें लगा रखी है उसी तरह प्रस्तावक बनाने के लिए भी शर्तें निर्धारित कर रखी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में एक साथ 6 पदों के लिए चुनाव होना है। इसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच तथा जिला परिषद सदस्य शामिल है। हर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करना है, इसके लिए उन्हें प्रस्तावक की आवश्यकता है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी पद के प्रस्तावक होने के लिए संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले पैसेंजरों को आरटीपीसीआर से कोरोना जांच नहीं करानी होगी। वे बिना जांच रिपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से स्थानीय एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित कर दिया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर नया नियम रविवार से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना व गया एयरपोर्ट पर पहले से ही किसी प्रकार की कोरोना जांच प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी। इसे लेकर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाराजगी जाहिर की थी। लोगों का कहना था कि आरटीपीसीआर से कोरोना जांच की बाध्यता तक केवल दरभंगा के लिए ही क्यों, दरभंगा एयरपोर्ट से भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए यहां के यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बाध्यता के कारण लोग दरभंगा के बजाय पटना से यात्रा करना पसंद करते थे। मालूम हो कि पहले दरभंगा से मुंबई जाने वालों को 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करना जरूरी था। फ्लाइट पकड़ने से पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देने पर यात्रा नहीं करने दिया जाता था। साथ ही मुंबई से आने वाले यात्रियों के लिए भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य था। परेशानी यह थी कि समय से लोगों को जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी और उनकी फ्लाइट छूट जाती थी, लिहाजा लोग पटना का रुख कर लेते थे। अब बहुत जल्द कमर्शियल लाइसेंस की तरह निजी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद
डीएल बनवाना और भी महंगा हो जाएगा। फिलहाल शुल्क कितना होगा यह तय नहीं हुआ है। अभी निजी दो पहिया व चौपहिया गाड़ी चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस का शुल्क 740 रुपये है। इसके बाद फाइनल लाइसेंस का चालान शुल्क 2300 रुपये है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लागू होने के बाद वाहन चालक को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए अलग से शुल्क अदा करना होगा। बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिले में परिवहन विभाग का अधिकृत एकमात्र ट्रेनिंग स्कूल है, जहां चालकों को लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद फाइनल लाइसेंस के आवेदन से पहले इस सर्टिफिकेट को लेना अनिवार्य होगा। बिहार में म्यूटेशन को लेकर नई व्यवस्था होने जा रही है। बिहार में अब दाखिल खारिज के साथ नक्शा देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस नई व्यवस्था में जमीन के दस्तावेज में नाम परिवर्तन के साथ प्लॉट का नक्शा फोटो भी रहेगा, साथ में खाता खेसरा और रकबा की भी फोटो होगा। इससे छोटे से छोटे जमीन के टुकड़े का क्रय विक्रय कितनी भी बार हो चौहद्दी का विवाद नहीं होगा। दाखिल खारिज की वर्तमान स्थिति यह है कि जमीन का क्रय होने पर केवल नए खरीदार का नाम, खाता खेसरा और रकबा ही दर्ज रहता है। चौहद्दी का जिक्र न होने से विवाद की संभावना बनी रहती है। नए सर्वे के बाद म्यूटेशन की पूरी प्रक्रिया टेक्सटुअल एंड स्पेटियल डाटा इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड आधारित हो जाएगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।